उत्तर प्रदेश एससी एसटी आयोग के सदस्य बने भाजपा नेता दिनेश भारत का केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति ने स्वागत किया। नवनियुक्त सदस्य दिनेश भारत ने कहा कि वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक सेवा करने का फल पूर्व पार्षद और वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश भारत को आखिर मिल ही गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिन्हें उत्तर प्रदेश एससी एसटी आयोग में सदस्य नामित किया गया है। दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले दिनेश भारत की नियुक्ति पर जाटव समाज ही नहीं सर्व समाज के लोगों में खासा उत्साह है। इसी क्रम में केंद्रीय भीम नगरी समिति के लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया और उनकी नियुक्ति पर खुशी जताई। इस अवसर पर नव नियुक्त सदस्य ने भी सबका आभार जताया और कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। ये आगरा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज एस टी एस सी की बहुत बड़ी आबादी है। जो सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है इस समाज का पूरा ध्यान रखूंगा मैं। इनके साथ कोई उत्पीड़न ना हो, इनके साथ कोई अगर कोई परेशानी करता है तो सरकार इसकी देखभाल करने के लिए हमें चुना गया है। अभी जो ताज़ा हालात है उनको देख करके क्या लग रहा है कि बहुत सारे लोग दलितों की बात करते हैं, भाजपा ने आपको ये अवसर दिया है तो क्या लग रहा है कि बीजेपी में भी दलितों का मान सम्मान है? नहीं, पूरा सम्मान है दलितों का भाजपा में। भाजपा ने आगरा जैसे शहर के अंदर मुझे आयोग का सदस्य बनाया, कोई समझ के बनाया हुआ देश की राजधानी दलितों की आगरा। मैं पुराना कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने मुझे नाम भी दिया है, हो सकता है पार्टी से ज़्यादा मुझे आज जिम्मेदारी और दे, इसीलिए मुझे क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने इस पद के लिए समझाया, हो सकता है इससे बड़ी आगे जिम्मेदारी है सरकार मेरे को दलितों के उत्थान के लिए। आपको बता दें कि दिनेश भारत वर्ष 1984 से 15 वर्ष की अवस्था में भाजपा से जुड़े और 2006 में काजीपाड़ा वार्ड से पार्षद भी रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा में महानगर के महामंत्री रहने के साथ वो जिले में उपाध्यक्ष और महामंत्री भी रह चुके हैं। दिनेश भारत 4 बार प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के अलावा ब्रज क्षेत्र में मंत्री भी रहे हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।